गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभ 240 ईस्वी में पहले शासक श्री गुप्त से हुआ। इस वंश के अंतिम शासक बुद्धगुप्त ने 495 ईस्वी तक राज किया। इस वंश के उत्तराधिकारी 7वीं सदी तक राज करते रहे, परंतु पूर्णतया सीमित और शक्तिहीन रहे। इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी सम्राट हुए। इस वंश का शासक समुद्रगुप्त एक महान वीर हुआ, जिसने अपनी तलवार से सारे गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। इसका परिचय हमें प्रयाग प्रशस्ति के शिलालेख में मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान सम्राट था, जिसके काल में भारत में विद्या, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, कला एवं निर्माण कला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। धन धान्य से भरपूर यह देश सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए चीनी यात्री फाहियान ने भारत की प्रशंसा करते हुए इसकी तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र को दुनिया का श्रेष्ठतम नगर बताया था। 5वीं सदी में मध्य एशिया से आए हूण आक्रमणकारियों का गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने डटकर सामना किया। उन्हें अनेक बार हराया, लेकिन बाद में निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में हूण नेता तोरमांड ने अधिकांश गुप्त साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। दूसरे हूण शासक मेहरकुल हूण के पश्चात तो हूण भी कमजोर हो गए। इसके बाद देश में पुनः अराजकता फैल गई। देश में पुनः केंद्रीय सत्ता का निर्माण मौखरी वंश ने किया। दोस्तों, आइए अब गुप्त वंश के राजाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्री गुप्त और घटोत्कच। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुप्त साम्राज्य की नींव श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में रखी थी। श्री गुप्त ने 40 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच 280 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के तख्त पर बैठा। प्राचीन लेखों में श्रीगुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच को महाराजा की उपाधि दी गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को राजाधिराज की उपाधि से नवाजा गया, जिसका अर्थ था राजाओं का भी राजा। 4वीं सदी की शुरुआत में गुप्त वंश ने मगध के एक छोटे से हिंदू राज्य और वर्तमान बिहार से अपने शासन की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त सम्राट घटोत्कच ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को 320 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चंद्रगुप्त ने एक संधि के कारण मगध की एक मुख्य शक्ति लिच्छावी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। दहेज में मगध साम्राज्य पाकर और नेपाल के लिच्छावियों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इस तरह उसने मगध, प्रयाग और साकेत के काफी हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। अब उसने अपना शासन 321 ईस्वी में गंगा नदी से लेकर प्रयाग तक बढ़ा दिया था। उसे महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी और उसने अनेक विवाह संधियों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के राज को समुद्रगुप्त ने आगे बढ़ाया और अपनी मौत तक लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। उसने शुरुआत में ही अहिचात्र और पद्मावती साम्राज्य को अपने शासन में मिला लिया था। इसके बाद उसने सभी आदिवासी इलाकों मालवा, यौधेय, अर्जुनायन, मदुरा और अभिरा पर आक्रमण कर दिया। 380 में अपनी मौत से पहले समुद्रगुप्त ने 20 से भी ज्यादा गणराज्यों को अपने शासन में मिला लिया था। अब उसका शासन हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैल गया था। विदेशी इतिहासकार उसे भारतीय नेपोलियन मानते थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसमें वो पड़ोसी राज्यों में एक घोड़े के साथ सेना को युद्ध के लिए ललकारता था। अगर पड़ोसी राज्य उसके साथ मिलने को राजी नहीं होता तो उनको युद्ध करना पड़ता था। समुद्रगुप्त न केवल एक अच्छा योद्धा था, बल्कि कला और साहित्य प्रेमी भी था। उसने वर्तमान कश्मीर और अफगानिस्तान के इलाकों पर भी विजय प्राप्त की थी। रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में इतिहास में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण ही उसे गुप्त साम्राज्य का पदभार सौंपा गया। शासन में योग्य न होने के कारण उसे सिंहासन से उतार दिया गया और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त लेखों के आधार पर अपने पुत्रों में से समुद्रगुप्त ने राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनकी माता का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 375 ईस्वी में सत्ता संभाली थी। उसने कदम राजकुमारी कुंतला से विवाह किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मालवा,
गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों को पराजित कर दिया था। उसने 395 ईस्वी में अपने मुख्य शत्रु रुद्र सिन्हा तृतीय को पराजित किया और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य युद्धों से ज्यादा हिंदू संस्कृति, कला और विज्ञान के विकास के लिए जाना जाता है। गुप्त काल की कला के शानदार नमूने आपको देवगढ़ के दशावतार मंदिर में देखने को मिलते हैं। अपने काल में चंद्रगुप्त ने बुद्ध और जैन धर्म का भी प्रचार किया, जिसके कारण उसके शासनकाल में बुद्ध कला का काफी विकास हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी चीनी यात्री फाहयान ने अपने लेखों में लिखी थी। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न दरबारी थे। ये सभी दरबारी अपनी अपनी कलाओं में निपुण थे। इन सभी नवरत्नों में से कालिदास का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिन्होंने अपने ग्रंथों और अपनी कविताओं से पूरे भारत में प्रसिद्धि प्राप्त की। कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया गया। कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम महादेवी ध्रुव स्वामिनी था। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उसने 455 ईस्वी तक राज किया था। उसके शासन के अंत होने तक नर्मदा घाटी में पुष्यमित्र अपना साम्राज्य प्रसार कर रहा था। कुमारगुप्त ने वर्तमान बिहार के नालंदा में एक बुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त प्रथम को महान गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। उसको विक्रमादित्य और कर्मादित्य की उपाधियों से नवाजा गया था। उसने पुष्यमित्र को तो पराजित कर दिया, लेकिन बाद में उसका सामना श्वेत हूणों से हुआ। श्वेत हूणों का स्कंदगुप्त ने डटकर सामना किया और उन्हें एक हद तक रोके रखा, लेकिन हूणों के साथ युद्ध में उसका काफी धन और सेना बर्बाद हो गई थी। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई और उसके गोत्र भाई पुरुगुप्त ने सत्ता संभाली। गुप्त साम्राज्य का पतन। स्कंदगुप्त की मौत के पश्चात साफ तौर पर गुप्त साम्राज्य का अंत हो चुका था। इसके बाद कुछ वर्षों तक पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त ने शासन किया। 480 ईस्वी में श्वेत हूणों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी और 550 ईस्वी में पूरी तरह से उत्तर पश्चिम के इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य का हमेशा के लिए पतन हो गया। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।